बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के2 की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद और मेरे साथ मौजूद है सिल्वी खान। मैंने ऐसे रेसलर की तरह इनको इंट्रोड्यूस अगर आपने कभी रेसलिंग देखी हो तो आपको पता होगा कि इस तरह रेसलर को एंटर कराते हैं रिंग के अंदर। तो जो मेरी को रेसलर हैं आज सिल्वी हैं। सिल्वी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत आपको गुज़श्ता जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी मुबारक। मैं कहने वाली थी आपको हैप्पी बर्थडे भी मुबारक हो। मैंने कहा सब कुछ हो रहा है तो वो भी पहले गुजर गया ना सब कुछ। पाकिस्तान की हैप्पी बर्थडे। गुज़श्ता साल में जो कुछ हुआ है आपको मुबारक हो। साल महीना भी नहीं कह सकते, अभी तो हुआ है कि वहाँ। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि साल से मुलाकात ही नहीं हुई आप लोगों से। और मुझे क्यों ऐसा लगता है कैवान ने ईद पे इतना सारा गोश्त खाया कि उनकी आवाज़ आज बहुत धीमी धीमी है। आपको लग रहा है मैंने गोश्त? मुझे नहीं खाया, इतना वजन घटाया उसके बावजूद कहती है मैंने गोश्त। वैसे नाजरीन पहले कहते थे ना कैवान, लड़कियां बहुत ज्यादा उसमें होती थी कि हाँ हमें एक बोला ही नहीं गया कि वजन कम हुआ। आजकल तो लड़के भी कहने लगे हैं कि वजन कम हुआ। स्क्रीन पे जो आता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपना पेट अंदर करके बैठे। लेकिन मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, मैंने बड़ा एंजॉय किया। ये मेरी पहली ईद थी जिसमें तीनों दिन मेरी के2 फैमिली के साथ, एवीटी चैनल्स की फैमिली के साथ गुजरी। एंड बड़ा मज़ा आया, एक मुख्तलिफ ईद गुजरी एंड इस फैमिली के साथ वक्त गुजारा। ईद पे फैमिली के साथ ही टाइम गुजारते हैं, तो मैंने अपनी दोनों फैमिलीज के साथ सही बात टाइम गुजारा। क्योंकि नाज़रीन हमारा ज्यादातर वक्त ऑफिस में ही गुजरता है तो हमारी एक फैमिली बन जाती है। ज्यादातर वक्त हमारा एक दूसरे के साथ ही गुजरता है, यहाँ पे ज्यादा बंदा एंजॉय करता है। फिर हम लड़ते भी फैमिली की तरह। हाँ, लड़ते भी फैमिली की तरह। ये भी बड़ा एक नेचुरल चीज, साथ साथ नाराजगियां भी चलती होती हैं। जिसको कहते हैं ना, अपनों से ही तो गिला किया जाता है भाई, ऐसे ही है बोलने का अंदाज, ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू से इट। चौदह अगस्त का भी पूछूंगी। रिवर्स पे जाना है आपने? ईद के बाद मैं पहले दिन से ला रहा था। अब आपने रिवर्स में अगर जाना, देखिए रिवर्स साइकी इज नॉट गुड। नहीं ठीक है, ठीक है, चलिए बड़े 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 नंबर बताएं। मुझे 12 अगस्त से लाना है इनको। अच्छा, मुझे अपने नाजरीन को 12 अगस्त से आगे लेके आना। 12, 13, 14, 15 ये चार बड़े क्रिटिकल दिन थे। देखिए कितना सोच के कैवान हर काम करते हैं, सोच के। ये अगर मैं ऑफिस ना आया होता ना तो शायद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ना होती। चलो खैर, ये ऑफिस की मौजूदगी की वजह से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन पता है। चार दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। एक्सपोज तो नहीं होना ना हमने। लेकिन नाज़रीन आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं, भला किस से? आप से और मुझसे? नहीं, भला किस तरह? फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप पे और लैंडलाइन पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 0333-54-888-434। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कैवान को और हमें मैसेजेस कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं। और जो लैंडलाइन नंबर है हमारा तो वो भी नोट कीजिएगा, 410-2249। इस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। खुदारा कैवान भी हर प्रोग्राम में बताते होते हैं और मैं भी बोलती हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेजेस और आप अपनी पिक्चर सेंड कीजिएगा। कॉल जो है वो आपको लैंडलाइन से करनी होगी, 410-2249 पे। जी कैवान, नंबर दूँ मैं आपको इसके परफॉर्मेंस के ऊपर? हाँ। आपको नंबर जाते हैं 8-10 में। 10 में से जी। दो नंबर क्यों काटे मैंने? क्यों काटे? क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर आपने गलत बताया। किस तरह गलत बताया? मुझे एक नंबर एक्स्ट्रा लगा कि ना, ओवर एफिशिएंट हो गई आप। मुझे इतनी ओवर, दो हफ्ते बाद आप आ रही है, ओवर एफिशिएंट हो रही हैं आप। चलो तो आप बता देना, 0335-488-434। हमारे प्रोड्यूसर का दिमाग गायब होता है कहीं। आपने 333 लगाया ना, 888-335 आपने 0333 लगा दिया, 0335 है, 0335-488-434। फिर से बता दें ताकि हमारे नाज़रीन कंफ्यूज ना हो। कदर भी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत। डिस्प्ले हो रहा है नीचे, आप नंबर देख सकते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, गलती कवर अप होगी हमारी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, तस्वीर शेयर करनी है कर सकते हैं। लेकिन आज तस्वीर शेयर करने की एक पॉलिसी लगा रहा हूँ मैं अपने नाज़रीन पे। जो जो लोग देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे अगर तस्वीरें शेयर करते हैं ना, तो आपने तस्वीरें शेयर करनी है ईद के 3 दिन के ऊपर। हाँ, जो के2 के प्रोग्राम चले अगर आपने देखे तो उसकी तस्वीरें निकाल के शेयर करें। ये तो एक इम्तिहान है। तस्वीरें तो हम साथ साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर आपने के2 की स्क्रीन की ईद के 3 दिन के जो स्पेशल प्रोग्राम्स थे मॉर्निंग से लेकर रात तक, वो तस्वीरें हमारे साथ अगर आप शेयर करेंगे
वो हम दिखाएंगे नाज़रीन को और बताएंगे कि आप कितना फैमिली का हिस्सा हैं। और उसके साथ साथ जो मैसेज है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे कि अभी भी आ गए मैसेज। पहला पढ़ते हैं जी मैसेज, पहले मैसेज का जी। ये विलेज दिखाया है जी अपना बुशरा ने। बुशरा कहती है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, मैं भी K2 पे काम करना चाहती हूँ, आप करेंगी तो हमारा क्या बनेगा। और मुझे बहुत शौक है, मैं बुशरा अली हूँ। और ये दोबारा उन्होंने मैसेज किया और दरबान से हैं ये, एंड बुशरा ने ये तस्वीर भेजी है अपने गांव की। हाँ बुशरा, जैसे कैवान ने बताया कि K2 पे हमारे जो ईद के प्रोग्राम्स हुए हैं, अगर आपके पास उनकी पिक्चर्स हो वो सेंड कर दीजिएगा। और बुशरा अगर आप स्क्रीन पे आना चाहती हैं और आपको बहुत शौक है तो अपनी एक छोटी सी क्लिप बना के भेजिए जिसके अंदर आप अपने शौक के हिसाब से बात कर रही हैं, और टीवी के हिसाब से एक ऑडिशन भेज दीजिए। अगर आपका टैलेंट है और हमें नज़र आता है तो दरवाजे खुले हैं आपके लिए। उसके बाद जी हाउ आर यू माई फ्रेंड, हाउ आर यू माई फ्रेंड, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, हाउ आर यू फ्रेंड, माई नेम नैब। नैब पहुंच गया K2 यहाँ पे जी आपके पीछे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने हमें पकड़ लिया है, हम पकड़े गए, नैब से कोई नहीं बच सकता, कानून और नैब से कोई नहीं बच सकता, नायब है ये। एंड उसके अलावा जी मंजूर उलाई भाई, उनने ईद की भेजी है, क्या पिक्चर, खीर है, काबली पलाव है, और ये भी स्वीट डिश है, और आखिर में वो खुद है। अस्सलाम वालेकुम दोनों को, शो बहुत प्यारा है, ईद मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी शो शुरू होने से पहले कैसे प्यारा लग गया आपको मुझे भाई, ये ज़रा राज तो मुझे बताएं आप। अच्छा जी एक और है वैसे जिसको पढ़ते हैं, ये है जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी, गुज़श्ता ईद मुबारक, जेदी फ्रॉम वाकेंड, अपने रेगुलर जेदी पहुंच गए, और ये जेदी ने आज ये तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू जी, सारे मैसेज कह रहे हैं, बुशरा ने थैंक यू भी बोल दिया जी हमारे इस पे। एंड अब आप लोगों पे जो सारे लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, तो आप लोगों ने K2 की स्क्रीन की तस्वीर भी भेजनी है जो ईद के ऊपर प्रोग्राम चले थे सुबह से लेकर रात तक, उस प्रोग्राम में से कुछ जो आपका फेवरेट प्रोग्राम था उस प्रोग्राम की आपने तस्वीर स्क्रीनशॉट लेके भेजनी। अब जल्दी से फेसबुक पे चले जाएं अगर आपने पहले से तस्वीर ना ली हो, क्योंकि सारी चीजें फेसबुक पे मौजूद हैं। फेसबुक गुर भी सिखा रहे हैं साथ साथ में उनको, थोड़ी जुगाड़ तो बता, ये चीटिंग है ना ये आप उनको। K2 का पेज है, इसकी झलक भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये K2TV का पेज है जी, Kay2TV के नाम से, एंड इस पेज के ऊपर आप लोग जा सकते हैं, उसकी कवर वीडियो चल रही है, नीचे सारी चीजें अपलोडेड हैं। माउस मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। नीचे चलते हैं, पोल भी लगा हुआ है जी, पोल पे हमने आप लोगों से ये पूछा था कि आपके मुताबिक PTI की एक साल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। 62% लोगों ने कहा बिल्कुल जी अच्छी है, हम इससे मुतमइन हैं, एंड 38% लोगों ने कहा नहीं अच्छी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं टिल्ट किस तरफ, तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि वोट इतने ही बढ़े थे। वेरी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज़ साबित होती है। एंड उसके अलावा भी पोस्ट हैं बहुत मज़े मज़े की, वीडियो क्लिप्स भी हैं, ईद के प्रोग्राम्स की भी क्लिप्स हैं। ईद पे सिल्वी बहुत कुछ हुआ, क्या क्या हुआ आपको नहीं पता ना, यही तो मैं जानना चाहता था, मुझे बहुत कुछ पता है। देखा एक्सपोज हो गया। अच्छा नहीं नाज़रीन को आप बता रहे हैं कि वहाँ फेसबुक पे जाइएगा, वहाँ से प्रोग्राम्स की झलकियाँ वो पिक्चर सेंड कर दी, उनको आप चीटिंग करा रहे हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत करा रहे हैं ना। दो शिकार हैं ये कैसे, एक तरह से मैं उनको K2 के पेज पे भी ले आया हूं। अगर आपने नहीं देखा पहले, प्रोग्राम्स बड़े मजे मजे के थे, तो अगर आपसे मिस हो गए तो K2 के पेज पे मिल जाएंगे आपको, K2 की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको, वरना हम तो हैं ही बैठे। K2 की दुनिया क्यों होती है, इसलिए तो होती है ताकि K2 का जो पिछला हफ्ता गुजरा है, जिस मतलब बहुत रंगारंग गुजरा है, बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे बता रहे हो, हद से ज्यादा मुझे जला रहे हैं, बता नहीं जला रहे हैं मुझे, मैंने जिता रहा हूं, मैंने भी फेसबुक पे सब कुछ देखा है, मैंने फेसबुक पे सब कुछ देखा है। ईद के पहले दिन क्या हुआ, हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हुए, बड़ी अच्छी बात की आपने, देखिए हमारा अदाब अर्ज हुआ है, आरिफ काजी शो हुआ है, रैंडम जा रही है वैसे पहले दूसरे डीडी हुआ है। अच्छा। नहीं नहीं तो मैं तो आपको बता रही हूँ, आपने ये नहीं बोला कि पहले दूसरे तीसरे, मैंने पहले बोला, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको क्या क्या चले। चले अब ऐसा करते हैं ना, ईद के तीनों दिन को यूं लेके चलते, यूं नहीं लेके चलते, ठीक है। तो ईद के तीनों दिन मॉर्निंग शोज में क्या क्या हुआ, मिशी खान के दो मॉर्निंग शो थे पहले दिन और दूसरे दिन, तीसरे दिन मॉर्निंग शो था पेशावर से जकी और मीना, मीना। तो आपको दिखाते हैं कि ईद के जो तीन दिन हमने मॉर्निंग शोज के अंदर किया उनकी झलकियां दिखाते हैं आपको, और आपको अंदाजा होगा कि अगर आपने नहीं देखा तो आपने क्या क्या मिस किया है। ये झलकियां आप लोगों के लिए, देखिए और अगर मिस किया तो वेबसाइट पे जाके आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। फिलहाल हाइलाइट्स,
दफ़ा ऐसा हुआ है कि जश्न आज़ादी और ईद कुर्बान इकट्ठे आए हैं। 14 अगस्त की भी खुशी है, ईद कुर्बान की भी खुशी है। और सैंडविचेस बनाऊंगी, जिसको हम एक फ्लाइंग सॉसर सैंडविच होती थी, मुझे याद है। ये देखे बिल्कुल फिट आ गए। अब आपने लेके इसको ठाएँ करके बंद कर देना है। आप लोगों को एक एक कार्ड में देती हूँ काट के, और आप लोगों ने बना के, ताकि फिर वो जो वॉल है ना, उधर आप लोगों के कार्ड्स लगेंगे, ठीक है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आगे दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये आजमा, हर जुल तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप सबको ईद कुर्बान का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। मेहमान जो आने वाले, हीर मांजा की पूरी टीम, इसका रंग खिला खिला हो गया, बिकॉज इसकी क्रीम की क्या बात है वैसे। एक ही टीम के बंदे भाई। एक और गेम भी है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि ईद के तीन रोज हमने क्या हल्ला गुला किया सिर्फ मॉर्निंग शोज के अंदर। पहले दिन मिशी ने सारा ईद स्पेशल रखा किड्स के ऊपर, किड्स को डेडिकेट किया, बच्चों के साथ बहुत मजे की एक्टिविटीज की, जिसको देख के आपके अंदर का बच्चा भी जाग जाता होगा। बिल्कुल एग्री करती है मैं ये सुन रहा था, सिल्वी एग्री करती है इस बात से। दूसरे दिन मिशी खान की ईद के अंदर मौजूद थे कुछ स्टार्स, हीर मांझा जो मूवी आई है उसके स्टार्स थे, फैजान शेख थे, मोजेज हसन थे, और लखानी साहब जो प्रोड्यूसर हैं वो भी थे, एंड उनके साथ इन्जॉय किया। सारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से ईद मनाई मिशी के साथ, एंड बहुत मज़े के खाने भी बने। एंड तीसरे रोज़ हम गए पेशावर, पेशावर में इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे थे नकी और मीना ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे उनने, लेकिन फिर भी उनने पाकिस्तानियत का बहुत अच्छे तरीके से मुजाहरा किया। मिली नगमे भी गाए, कुकिंग भी हुई उसके अंदर। जो पेशावर की K2 की टीम है वो सारे इकट्ठे मिलके उन्होंने ईद को सेलिब्रेट किया। तो ये मॉर्निंग शोज थी तीन रोज, एंड भरपूर कलर से भरपूर एक मॉर्निंग शोज थी। इसके अंदर कंटेंट भी बहुत रिच था, गेस्ट भी बहुत खूबसूरत थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सारे एवेन्यूज तीन मॉर्निंग शोज के अंदर हमने कवर किए। अब हम जा रहे हैं एक वक्फे पे, वक्फे से वापस आने के बाद आपको हमने बताना है कि इवनिंग प्राइम टाइम के अंदर K2 टेलीविजन ने पूरे पाकिस्तान के साथ ईद कैसे मनाई, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वो है होगा सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया, वी विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, K2 की दुनिया में खुश आमदीद। और कैवान पता नहीं मोबाइल में लगे और किसी को बोल रहे हैं, मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं आता, ये किसको बोल रहे हैं कैवान? ओह बहुत ही बिजी है कैवान, तो मैसेजेस किधर गए व्हाट्सएप पे? बहुत बिजी बंदा है यार, प्लीज अपॉइंटमेंट लेके आया करें, ऐसा ना किया करें, ठीक है? ये क्या हो गया अचानक से? 14 अगस्त और ईद में क्या मसला हो गया? ईद में क्या हुआ है? मेरा आज ऑफ डे बनता है। क्यों? ईद पे आया था ना ये, मुझे अभी मैंने रियलाइजेशन हुई है मुझे, तो कर लेती मैं, कर लेती अकेले प्रोग्राम, अकेले प्रोग्राम करना मेरे लिए मुश्किल बात हो रही है। मैं इधर सोफे पे बैठ के, चाय मेरे सामने पड़ी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ऑफ डे ही बना रहा हूं मैं वैसे टेक्निकली, डजंट फील लाइक वर्क। K2 की स्क्रीन पे आना, एंकरिंग करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होता है, आसान बिल्कुल मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं कहने का मतलब ये कि रिलैक्सेशन होती है, बड़ा मजा आता है, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, आपको नहीं काम काम नहीं लगता सिल्वी? आपको ये नाज़रीन, आपको बताऊं मैं कैवान की बात, इनमें कितना प्रेशर होता है प्रोग्राम से पहले, हर प्रोग्राम, अच्छा बता रही हूं, और चाहे सोच फैक्ट्री का हो, चाहे ये प्रोग्राम हो, चाहे मुख्तलिफ इनके प्रोग्राम, इन पे प्रेशर काफी होता है बिल्कुल, और फिर वो हैंडल करते हैं उस प्रेशर को, बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं अपनी जिम्मेदारियां।
आप तारीफ करी थी, उसको एक्सटेंशन दे रहा था थोड़ी सी। आज पहली मर्तबा मैंने तारीफ की है वैसे। आज पहली मर्तबा की है? मैं पहले अभी धोखे में था। मैं अभी तारीफ समझ के बैठा होता था पहले। तो नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं 410-2294 पे, ये पता नहीं कैसे नंबर रटे होते हैं मुझे, और आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 0335-488-434 पे। ये कैसे? पता नहीं, अब आपका नंबर बताना रह गया, बाकी सारे आते हैं। कन टुट्टे में आपको बता रही हूँ, कन टुट्टे में नहीं बता रहे मुझे। आप ही नहीं नाम से कहा था, मेरे कन टुट्टे में जो बंदा बोलता है वो कभी काम की चीज बताता नहीं है मुझे, ठीक है ना। मैं पानी खाती कराची, वो बोलता भी इतना जल्दी है। मुझे कुछ फीलिंग हो रही है कि शायद कॉल है हमारे साथ। अच्छा, पता नहीं फीलिंग हो रही है मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर लाइक कॉर्नर की बोला, हरिपुर से के2 की दुनिया में। मंजूर इलाही भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आपको भी। बस इतनी सी? मंजूर भाई ईद कैसे गुजरी? इतनी छोटी सी मुबारक की आपने। आपको भी। मंजूर भाई गायब हो गए हैं? प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं उनका सांस बंद हो गया एक्साइटमेंट के अंदर। आई थिंक कॉल कट गई है, मंजूर भाई की कॉल थी, लेकिन मंजूर भाई हमेशा हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ गए मंजूर भाई, उनकी तस्वीर भी हमने दिखाई दिखाई है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बता, तस्वीरें होते हैं, तस्वीर होता है, जमा तस्वीर होता है, और तस्वीरें क्या होता है? कुछ नहीं होता वो, मैंने और आपने बनाई हुई तस्वीरें। लव नहीं होता? नहीं, तस्वीर होते हैं, हम लोग की तरह लोगों ने बनाए हुए तस्वीरें। बैठे भी दोनों बोंगे हैं ना, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस की मार मार रहे, दोनों भी गलत हो सकते हैं ना, ये बात हमारी बात पे यकीन ना कीजिए। बिल्कुल, ये ठीक है ना, आप तो कराची वाले बन गए ईद के। देखें, काफ को काफ की तरह ही बोलना चाहिए। ओ कितनी अच्छी उर्दू है आप। मैंने ये अपने न्यूज़कास्टर्स से सीखा है। हाँ। कि जब उनके न्यूज़ के अंदर जब काफ आता है ना तो एकदम कम हो जाए। हाँ, काफ बोलते हैं, और जब काफ आता है तो काफ बोलते। अच्छा जी, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें भेजी है और उसके साथ के2 के प्रोग्राम्स की स्क्रीनशॉट नहीं लगाई है ना, मैं नहीं दिखाता आपको। आज मैं बहुत बहुत हार्श फील कर रहा हूँ। तो अगर आप के2 की तस्वीर साथ लगाएंगे और के2 के प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट लगाएंगे, स्क्रीन की तस्वीर साथ लगाएंगे ना, और फिर अपनी तस्वीर साथ लगाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन ये टू साइडेड रिलेशनशिप, आई एम सॉरी, वन साइडेड नहीं हो सकती है। और इतना नाज़रीन आपको आसान तरीका कैवान ने बता दिया कि अगर मिस हो गए कोई प्रोग्राम तो फेसबुक पे जाइए, हमारे फेसबुक के पेज पे जाइए। अगर आप फेसबुक के पेज पे भी नहीं जाएंगे, के2 की स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजेंगे, तो फिर ये प्यार तो अधूरा रह जाएगा। कैवान, आपकी तरह बिजी लोग होंगे। बिजी लोग हैं मेरी तरह? तो मैं तो मैनेज कर रहा हूं वैसे। मैनेज कर रहे हैं। अच्छा चलें जी, नीचे वाले प्रोग्राम्स की तरफ। ठीक है, ईद के प्रोग्राम। हमारे के2 टीम में एक बल्कि जीएम ऑपरेशंस हैं फिलहाल, आकिफ काजमी साहब, उनकी आदत है कि जो जिसको हम नीचे कहते हैं ना उसको वो ऊपर कहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे ये कुछ प्रोग्रामिंग चल रही होती है ना, तो जब लेट नाइट पे प्रोग्रामिंग जाती है after 7 after 8, तो हम कहते हैं जी नीचे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आकिफ भाई जो है ना उसको कहते हैं अच्छा ऊपर जो प्रोग्राम। और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन आती है हमेशा। हमने रात वाला प्रोग्राम मॉर्निंग शो पे चलाते चलाते हम वैसे ये बहुत बहुत कर दिया। बकौल आकिफ काजमी हम ऊपर वाले प्रोग्राम्स पे चलते हैं, एंड ऊपर वाले प्रोग्राम्स में ईद के रोज हमने क्या क्या चलाया, पहले दो रोज क्या चलाया, क्योंकि उसके बाद तो 14 अगस्त आ गई थी ना तीसरे रोज, तो पहले दो रोज की झलकियां आपको दिखाते हैं, फिर वापस आगे आपसे पूछते हैं क्या देखा और क्या नहीं देखा। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको हमने बकरा जिबा करवाने के लिए भिजवाया है। क्या खूबसूरत सूट। अच्छा बात तो सुने, ईद का दिन है, लड़ते झगड़ते नहीं, हसरत कर लो शादी, बहुत मासूम सी लड़की है, बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय। मुझे नहीं बताया था कि उसके सींग भी हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगी। आपा कहाँ, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है। हमारे नाल गल करो, पार खाई खाई। आज बकरा जिबा हो या ना हो, वो कसाई मेरे हाथ से जिबा हो जाएगा। बीबी जी। हाँ जी। हमारा गोश्त कैसा कुर्बानी का? बताओ, बकरा दे दो इसको। नए पड़ोसी आए ना आपके? अल्लाह, तू आया किधर है? बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी तमीज में बात कर रही है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, ईद का मौका है। गोश्त जुड़ा मुक गया तो फिर मैं क्या है, मैं मिठाई के ईद मुबारक। कार मुबारक मेरी तरफ से भी आपको, ईद अब बहुत मुबारक।
ਟਾਈਮ ਬੇ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੀ ਬੋਲਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾ ਸਾਰੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ईद 14 अगस्त डबल खुशी तो थी ही लेकिन एवीडी फैमिली के साथ ईद का गुजरना फिर 14 अगस्त भी तो हमारी खुशियां मजीद दोबारा बड़ा पर्सनल सा सवाल करना लगी हुई है जो तुम्हारे बाल है उस वतन की जो ये जो दफा के लिए हमारे दारे काम करें इनको इनकी कुर्बानियों को हमेशा हमें याद रखना है तुम समझते हो कि तुमने तैयारी पूरी की हुई थी अपने शो की अब पूरी है 100% सारी नहीं है पूरी भुला दोगे इस नूर को क्या तुम ऐसे ही कहवान ये उम्मीद ये आरजू ये ख्वाहिश और कशिश का ये जहां उजागर ना किया जो तुमने इस नूर को आज ना बचेगी बाकी इस कौम की इज्जत और लाज खुद पसंदी मेरे ख्याल है फनकार की फितरत में होती है आर्टिस्ट की फितरत फनकार तो हो तुम पाकिस्तानी बन के रहे और एक कौम बन के रहे जी है? यार क्या है मेरा बजा यार क्या है आप देख नहीं रहे प्रोड्यूसर साहब केवान बहुत बिजी है एक्सपोज करने के चक्कर में आता हूं और शुक्र है मुझे नहीं इन्होंने बड़े गुस्से से बोला जी कैसे बोला वो तो मुझसे बोल मेरा ऑफ एयर मूड नजर आ गया थोड़ी देर के लिए हां जी मेरा ऑफ एयर मूड इतना ही फ्रेंडली नाज़रीन कोई ऐसी बात नहीं ऐसी फ्रेंडली नहीं मैं ही फ्रेंडली लेकिन फ्रेंडली हूं ना देखिए मैं साथ साथ वो कर रहा था लोगों से यहां भी बात कर रहा हूं लोगों से यहां भी कर रहा हूं सिल्वी को भी केटर कर रहा हूं साथ मुझे नहीं केटर कर रहा आपको नहीं लगे मैं साथ साथ फैसिलिटेट कर रहा हूं जबकि उनको मुझे फैसिलिटेट करना चाहिए उल्टा ही काम हो जाता है लेकिन नाज़रीन आपने देखा कि ईद के पहले दो रोज हमने आपको आदाब अर्ज़े दिखाया बिल्कुल स्पेशल जिसमें सिल्वी ये जानना चाहती है कि आखिर ये बकरा कहाँ से आया और ये बकरा कुर्बान होने के बाद कहाँ गया किसके पेट में गया एंड और कुछ नहीं पूछा उस प्रोग्राम के हवाले बकरा मुझे बड़ा मैजबीन और चांद मियाँ का आदाब अर्ज़ मेहमानों के साथ बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा पता नहीं आज भैया एक्शन क्यों इतना ज्यादा उसके बाद जी आपने देखा दी आरिफ खाजी शो उसमें कौन कौन थे उसमें परवीन कैसर नुमान सैम जिया केवान निकी पुपो उसके अलावा मलिक साहब थे उसके अलावा मासी थी उसके अलावा सहाफी थे उसके अलावा आरिफ काजी थे उसके अलावा पैनल पे फरहत थे उसके अलावा पैनल पे यासिर भी थे उसके अलावा ये सारे लोग थे बस मैं जिस हवाले से पूछ रही हूँ केवान से बारह वो नाम केवान नहीं ले रहे 15 लोगों के नाम ले लिए कहाँ थी आप मैं भी थी बीच में सॉरी मेरी लिस्ट में नहीं है आप आपके साथ ही बैठी थी वो आप थी हाँ वो मैं थी वो आपकी लुक लाइक अच्छा नाज़रीन ऐसे तारीफ करने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन उसी आरिफ काजी शो पे केवान ने बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ी और मैं हैरान और इन्होंने खुद अभी हम ये कह रहे थे मैंने कहा खुद से कैसे आमद हुई है इन्होंने कहा बस हो गई थी आमद 8 साल पहले और मैंने इस पे जवाब ये दिया कि 8 साल पहले थोड़ा वो एक उर्दू की आमद लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं उर्दू में भी लिख सकता हूँ मैंने 8 साल पहले लिखा तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो घर वाले हैरान हुए थे कि तुम किसके बेटे हो एंड फिर उसके बाद दोस्त भी काफ़ी हैरान हुए लेकिन 8 साल पहले एक आमद हुई थी एंड वो 8 साल है और उसके बाद है कि बस मेरा जो चैनल है वो अंग्रेज़ी का ही लगा हुआ है और उर्दू में ज़्यादा आमद नहीं हुई मुझे लेकिन यकीन मानिए वो मैंने ही लिखी थी हाँ इन्होंने ही लिखी एंड आज उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक और आपके साथ मैं नज़म शेयर करूंगा इसी प्रोग्राम में बिल्कुल इसी प्रोग्राम डन हो गया डन ठीक है ये भी मैंने 8 साल पहले ही लिखी थी क्योंकि सारी आमद एक मानसून की तरह आई थी और बस मानसून के बाद ड्राई सीजन चल रहा कितना टाइम लगा एक ही दिन लिटरली बताऊँ कितना टाइम लगा मुझे 25 मिनट में और नाज़रीन आप फेसबुक पे क्योंकि वो आपने अगर देखा हो वो प्रोग्राम आरिफ काजी शो तो आपने वहाँ पे उस पर देखा होगा केवान की वो नज़म आपने सुनी होगी लेकिन अगर नहीं देखा हो तो फेसबुक पे आप जाइए वहाँ पे देख लें और वो नज़म इतना मेरे ख्याल में एकदम से वायरल भी हो जाएगी वायरल हुई हुई है नहीं लोगों ने काफ़ी उस पर तारीफ की है मुझे पर्सनली भी मैसेज करके की फेसबुक पर देख के एंड मैंने अपने फोरम्स पर जब शेयर किया तो काफ़ी लोगों ने जिन्होंने पहले नहीं देखी हुई थी या सुनी हुई थी तो पहली मरतबा उन्होंने सुनी तो काफ़ी वो हैरान हो क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने 8 साल के दौरान ये दोबारा शेयर नहीं की जी 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 तो फाइनली मैंने टीवी पे जब शेयर की तो काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया तो थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो अब एक प्रेशर बढ़ गया है कि दोबारा कुछ निकालना पड़ेगा मेरे माइंड में है कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूंगा लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने तारीफ की आप लोगों ने हौसला अफजाई की एंड आज एक और थ्रो करता हूं मैं बॉल देखता हूं उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा लेकिन उससे पहले एक कॉल है उनसे बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी प्यारी सी बेटी और मेरे प्यारे बेटा मैं हाजी मोहम्मद असगर अटक से बोल रहा हूँ
وعلیکم السلام اصغر صاحب, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, میرے کے چینل کو سلامت رکھے. آپ کو گزشتہ عید مبارک ہو. کامران صاحب کو, آپ کو, تمام کے ٹو کے جتنے بھی نیٹ ورک کے ورکر ہیں کام کرنے والے, سب کو عید مبارک صاحب اور السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مبارک. جی آجی صاحب, آپ نے ہماری پروگرامز دیکھے عید کے اوپر جو ہم نے چلائے؟ جی کچھ دیکھے اور کچھ رہ گئے. کون سا والا دیکھا آپ نے؟ وہ عید کی نماز کی, دوسری نمازوں کی وجہ سے کچھ رہ گئے, لیکن سخن اپنا آدھا ورز بھی دیکھا. اچھا, اور سخن بھی دیکھا, اور کئی ایک ہے بیٹھک وغیرہ جو ہیں, کئی ایک شو دیکھے. چلیں, جو جو مس ہو گئے وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک آدھ بار اور بھی ریپیٹ کریں گے آپ کے لیے. بالکل. وہ بیٹا میں تو دیکھتے ہی کیٹ ہوں. ٹھیک ہو گیا سر, اب تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے دوبارہ چلائیں. کیونکہ کیٹو ہم, میرا ذاتی یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کام کرنے والے میرے بیٹیاں اور میرے بیٹے ہیں. اچھا, کیونکہ میری عمر 87 سال ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اس سے بہتر چینل مجھے پاکستان میں چینل نظر نہیں آتا جو پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکے, ایک آپ کا اور دوسرا پی ٹی وی نیشنل کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ حاجی اصغر صاحب, آپ نے حوصلہ افزائی کی, آپ نے کیا کہتے ہیں خون, کیا کہتے ہیں خون بڑھانا, خون بڑھانا تو ہوتا ہے. میں سے زیادہ کول ہونا نہ چاہ رہا تھا نا, آپ نے بالکل ختم ہی کر دیا. کیا کہتے ہیں کیوان, دو سیر بڑھ گیا. اب میں پروڈیوسر سے پوچھ نہیں سکتا, کچھ اور ہی بتا دے گا. وہ جلدی جلدی میں کچھ اور ہی بتا دیں گے, یہ خون گھٹا دیا. سمجھ تو گئے ہیں نا آپ تو ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن حضرت صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں, ہر پروگرام میں بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں, ہر پروگرام میں آپ کے ٹو کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور ہمارے پروگرام سے بالکل آپ اپڈیٹڈ رہتے ہیں. سب سے خوبصورت بات یہ ہے, اور جیسے کہ حاجی اصغر صاحب نے شہر سخن بھی دیکھا, بالکل, جس کے اندر ناصر علی سید صاحب, ناصر علی سید صاحب روبینہ صدیقی تھی, اس کے اندر بہت شاعر تھے, اینڈ اس کے اندر آخر میں جو پرفارمنس تھی استاد حامد علی خان, استاد حامد علی کی, وہ بھی لوگوں نے کافی سراہا. اس کے علاوہ آداب عرض بھی انہوں نے دیکھا. ہاں, ماجبین کا. اب عارف قاضی شو کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ نہیں دیکھا ہوگا, ہم تو اس میں اس لیے نہیں دیکھا. میں اور کیوان بیٹھے ہوئے تھے اس وجہ سے, بلکہ ہم نہیں, ہماری کے ٹو کے خوبصورت اور لوگ تھے, ویسے وجوہات مزید تھی اور بھی تھے, لیکن میں اس وقت, میں اور کیوان تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم تھے, تو وہ آپ. لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, اب ہمارے پاس 14 اگست ہے. ہاں, 14 اگست میں ہم نے کی ڈیڈی, بہت ہی خاص جگہ پہ جا کے بہت مزے کی ڈیڈی کی. اس کے علاوہ ہم نے کیا کے2 کا پاکستان. اکثر اوقات کے2 کا پاکستان کے ٹائٹل کے ساتھ کے2 سحر چلتا ہے, مشی خان کرتی ہے, لیکن یہ جو کے2 کا پاکستان ہے, ہر 14 اگست کو ہم اس کو ریمینس کرتے ہیں. ہر 14 اگست کو ہم کے2 کے وہ ایسے پروگرامز کرتے ہیں جن میں پاکستانیت ہوتی ہے, پاکستانی ملی نغمے ہوتے ہیں, سبز رنگ ہوتا ہے, اور ہر جگہ خوشیاں ہوتی ہیں, خوشیاں اور رونقیں ہوتی ہیں. یہ 14 اگست کی جو ٹرانسمیشن ہے, جس کی کچھ جھلکیاں آپ کو ہم نے دکھانی ہے پرائم ٹائم کی, یہ ہم دکھائیں گے آپ کو بریک کے بعد, کیونکہ ہم نے کثرت تو چھوڑنی ہوتی ہے, ہمارا کام ہے. ایسے کیسے ایک دم سے, ایسے کیسے دکھا دیں, بریک کے بعد دکھائیں گے. کمرشل بریک پہ جائیے, کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. جائیے بریک پہ, واپس آئیے. کس چیز کی؟ ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانا کتنا ایونٹ فل تھا, بریک سے واپس آنا کتنا ایونٹ فل تھا, یہ آپ سلوی سے ہی پوچھیے. مجھ سے کیا مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے ناظرین سے کہا کہ بریک پہ جانا ہمارے لیے ضروری ہے, ریپیٹ اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے, اور آپ نے بولا کس کی اس کی ضرورت ہے؟ بریک کے دوران کہتی ہیں آپ تو ایسے جا رہے تھے جیسے باتھ روم جانے کی ضرورت پڑ گئی. میں نے یہ نہیں بولا, میں نے یہ نہیں بولا تھا. آج کا میرا پروگرام ہو گیا ختم, میرا پسند پورا ہو گیا. اصل میں کیوان نے ناظرین اس طریقے سے بولا, کہتے مجھے ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. میں پھر بریک میں کیوان کو کچھ نہیں بولوں گی پروگرام کے دوران کہ میں نے کیا کہنا تھا. اور کیوان نے, بندے کے ساتھ اینکر کہہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کیا بولا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا کمرشل بریکس ہوتی ہیں, آبویسلی کمرشل بریکس ہوتی ہیں, چینل کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, چینل کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے چینل چلتا ہے. ناظرین آگے چلتے ہیں, کے2 کی دنیا میں ہم یہ فضول کی باتیں کر رہے ہیں. ناظرین کے2 کی دنیا میں آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, اور اپنی تصویریں شیئر کر سکتے ہیں. تصویریں شیئر کرنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کے2 کی اسکرین کی تصویریں بھی شیئر کریں گے جو عید پہ پروگرام چل رہے ہیں اس کے حوالے سے. اور یہ جب ہم نے آپ پہ کنڈیشن رکھی, تو ہمارے کچھ ایسے ویورز ہیں اور اچھے فیملی ممبرز ہیں جن نے کنڈیشن پہ پورا اترے, اور منظور الہی بھائی نے یہ پشاور کے مارننگ شو کی تصویریں بھی بھیجی. بالکل,
फिर केटू की दुनिया के भी बीच में भेजी है जी, हमारा जो पोस्टर है, और उसके अलावा जी बैठक जो हुआ था वो भी भेजी, और ये पेशावर मॉर्निंग शो की होगी। इसके अलावा जी एक और है, ये मैं दिखाता हूँ, ये है जी आरिफ काजी शो, इसमें हमारे अलावा सारू की तस्वीर भेजी है जी इन्होंने मेहर की तस्वीर भेजी गाना गाते हुए आरिफ काजी शो का जो ईद स्पेशल था, और ये इसके साथ इनने हरीम और लिंता की तस्वीर भेजी है। हरीम और लिंता की तस्वीर अब हम दिखाएंगे, क्योंकि आपने साथ तस्वीर भेजी केटू की स्क्रीनशॉट, तो आप क्वालिफाई कर गई हैं, बेसिकली कर गई हैं। अब मुझे नहीं पता किसने भेजा ये, लेकिन गुज़िश्ता ईद मुबारक भी कह रहे हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी कह रहे हैं, अपना नाम भी बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने ये अच्छा काम किया ना। अब जिसने व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजनी या मैसेज करना है, साथ में अगर वो केटू की ईद ट्रांसमिशन की स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं दिखाऊंगा सारे नाज़रीन को, और अगर नहीं भेजेंगे तो माज़रत ख्वाह है, आपका नंबर इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एक आया मैसेज हाय नो, क्यों? एक और मैसेज आया हाय नो, एक मैसेज आया जिसमें अपनी तस्वीर है, नहीं दिखानी अभी प्रोड्यूसर साहब, नहीं दिखाएंगे आज के वान जिद कर रहे हैं, जब तक आप हमें के2 की स्क्रीन की तस्वीर साथ नहीं भेजेंगे तो मैसेजेस नहीं दिखाएंगे, हम आपकी तस्वीर भी नहीं दिखाएंगे। बाद में जाके आप लोगों ने बड़ी वैसे मुझे सुनानी है, आपकी बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन आखिर में अगर आपने नहीं सुननी तो मुझे दिखानी पड़ जाएगी। लेकिन फिलहाल केवान, ब्रेक से पहले हम कहां जा रहे थे? हम ब्रेक से पहले बाथरूम नहीं जा रहे थे। अच्छा, पानी पीने जा रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे? 14 अगस्त के जो स्पेशल प्रोग्राम थे, जो खसूसी प्रोग्राम थे, वो हमने दिखाने, एंड कि जिसमें के2 का पाकिस्तान नुमान नशारी और मिशी खान ने किया, बिल्कुल बड़ा मजे का किया। कौन और कहाँ से? मियां मोहम्मद हसन अकरम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और दूसरे ये कि मैं ये समझता हूँ कि जश्न आजादी पे जो जल्दियाँ ज़ाया होती हैं जी, इसका तदारक होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए कि ये जल्दियाँ ज़ाया ना करें। सही। और हम मैक्सिमम जितने भी दरख्त लगा सकते हैं हम दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त लगाएंगे तो खुशहाल पाकिस्तान है। बेशक बेशक, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वतन अजीज को 72 साल गुजर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के तरक्की के बहुत चांसेस हैं, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह करम फरमाए। तो दूसरा ये कि एक सिलेबस ऐसा डिज़ाइन किया जाए बच्चों के लिए कि उनको वतन की मोहब्बत उनके अंदर उजागर की जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। कॉलर का नाम दोबारा बता दीजिए प्रोड्यूसर। मियाँ मोहम्मद अकरम साहब थे लाहौर से, बहुत अच्छी एडवाइस ने दी। और मियाँ मोहम्मद अकरम साहब, अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जो ये तजवीज़ है इसके बारे में हमने 14 अगस्त आने से पहले ही सोचा, और हमने एक डायरी भी बनाई है इसके ऊपर, इस्लामाबाद डायरी के अंदर हमने इस्लामाबाद में अपने जो दो नुमाइंदे हैं परवीन गिलानी और रजा गजनवी, दोनों को भेजा कि जो लोग झंडियाँ खरीद रहे थे दुकानों में जाके, उनसे पूछा कि जब ये झंडियाँ खरीद लेंगे, लगा लेंगे, 15 अगस्त को इनका क्या होने वाला है, तो उस पोल्यूशन से, उस गार्बेज से बचने के लिए आप अगर दरख्त उगाएं तो मेरे ख्याल से मुल्क का भी भला होगा। और ग्रीन तो वैसे भी हमारे नेचर के अंदर ग्रीन है, हमारे झंडे के अंदर ग्रीन है, हमारे दिल के अंदर ग्रीन है। और बताओ नहीं नहीं, सोफे भी ग्रीन है। अच्छा, और नाचे में नहीं जाते हम, लेकिन ये हमने इस पे पूरी डायरी की, एंड आप ये डायरी जाके देख भी सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर भी मौजूद होगी, उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी होगी। तो बिल्कुल इस पे काम किया, उसके अलावा सिलेबस का आपने बात की, ये भी बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी, उसके अलावा और क्या बात की? यही दो बातें की। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लाहौर से, एंड इस तरह की बातें हमारी जब टीवी पे लाइव आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, शाहजेब बात कर रहा हूँ मर्दान से। शाहजेब बात कर रहे हैं मर्दान से, शाहजेब भाई कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं पहली बार आप प्रोग्राम देखता हूँ, मैं खुद एवीटी खैबर में काम कर रहा था, मैं पहली बार आप प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत मजा कर रहे हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, मैं बुखार हूँ, मेरा पीला यार कान है। अच्छा अच्छा, मेरा यार कान है, दुआ करें।
چلیں اللہ آپ کو شفا دے, اللہ آپ کو شفا دے, آپ کی طبیعت جلد از جلد بہتر ہو اور آپ صحت یاب ہو کے اپنے قدموں پہ چل کے K2 ٹیلی ویژن آئے. بالکل, ہاں بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ K2 دیکھ رہے ہیں, امید ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے, ہماری اسکرین کی وجہ سے اور ہمیں آپ کو ہنسانے کی اس کوشش کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے, یہی ہماری یہ کوشش ہے. ہنساتے بھی ہیں, یہ تو ہماری عام سی باتیں ہوتی ہیں. مسڈ کالیں مار رہے ہیں. مسڈ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کے وہاں کو مسڈ کال دے کے وہ تنگ ہو رہے ہیں. میری آپا کو آپ سن رہے ہیں نا؟ اچھا یہ ہیں جی, یہ ان نے ہمارے پروگرام کی اسکرین شاٹ بھیجی ہے, پاس کر دیں ان کو. ہاں پاس پاس کر دیجیے, دکھا دیں جی, دکھا دیں. یہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ہماری پروگرام کی اسکرین شاٹ بھیجی ہے. اچھا اب جاننا یہ ہے کہ کون ہے. اور یہ مشی خان کا بھی آ گیا, یہ میں بھی آ گیا اور یہ ان کے دو بچے آ گئے. دیکھیں یہ پروٹوکول بہت اچھا چل رہا ہے. یہ پہلے آپ K2 کی اسکرین دکھائیں گے, پھر آپ اپنی تصویریں بھی شیئر کر سکتے ہیں. دونوں خوش, رشوت ہے, دونوں خوش ہو گئے. رشوت نہیں ہے. روحان طلحہ, روحان طلحہ ہیں جی یہ دونوں. اچھا اینڈ جنہوں نے میسج کیا وہ بھی اپنا نام بتا دیجیے. بہت بہت شکریہ جی آپ کی, ہم نے تصویریں دکھائی. اینڈ یہ تصویر بھیجی ہے جس نے بھی, میں نہیں دکھا رہا. کیوں نہیں بھیجی؟ ساتھ نہیں بھیجا, سوری. پیکیج کمپلیٹ نہیں ہے, پیکیج انکمپلیٹ ہے. تو سر آپ نے ایک تو نام بھی نہیں اپنا بتایا, دوسرا آپ نے K2 کی اسکرین شاٹ بھی نہیں لگائی عید کی ٹرانسمیشن کی. تو آئی ایم سوری, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, رولز آر رولز. بالکل آج کے وان آگے چلتے ہیں. عبد الرحمان صاحب نے جو تصویریں بھیجی ہیں پہلے میں چیک کروں گا. انہوں نے کہا آئی لو یو K2 چینل, پھر انہیں اپنی تصویریں بھیجی اور پھر میری تصویر بھیج دی. کام پورا ہو گیا آپ کا, دکھا سکتے ہیں. یہ میں, وہ اوپر نہیں جا رہا, ماؤس اوپر نہیں جا رہا. کیوں دکھائیں نہیں, کے وان دکھائیں, جا نہیں رہا. اچھا کیا مطلب؟ یہ بہت ڈینجرس سٹنٹ ہے جو بچہ ان نے ہوا میں کیا ہے اور وہ پتہ نہیں واپس کب آیا. واپس آ گیا ہوگا. اینڈ یہ ان کی خود کی تصویر ہے, عبد الرحمان صاحب لاہور سے. بہت شکریہ. اچھا ویسے کیوان یہ زیادتی ہے, صرف آپ کی پکچر شیئر کی, باقی پروگرامز کی نہیں کی اور آپ نے دکھا دی. سیدھا سیدھا بولے نا, سلوی کی تصویر شیئر کریں پلیز ناظرین. حسنین علی ہے, کہہ رہے ہیں آئی لائک یور پروگرام. حسنین نے ہی بھیجی تھی جی روحان اور طلحہ کی تصویر. حسنین کی خود کی تصویر ہے. کہاں سے یہ بھی بتائیں؟ حسنین نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے. ٹھیک ہے, حسنین کی تصویر فل کر کے دکھا دیں. یہ ہے حسنین, نائس پوز حسنین, نائس پوز, ویری ویل ڈن. اور یہ وائس میسج جن نے بھیجا ہے, نہیں میں نہیں چلا سکتا. تصویر ڈی فوکس سی ہے لیکن میں یقین کر لیتا ہوں کہ یہ ہماری ہی تصویر, پروگرام کی تصویر. باتیں آتی ہیں, آپ کو یقین کر لیتا ہوں. سر قریب جائیں ٹی وی کے, آپ کو آواز نہیں آئے گی اتنی دور سے. تو یہ ان نے تصویر بھیجی ہے ٹی وی کی. اینڈ ساتھ میں جو وائس میسیجز ہیں, اور یہ ان کی خود کی تصویر ہے. آ گئی یہ پکچر بھائی. اچھا نیچے میسج بھی کیا انہوں نے, پکچر آ گئی. یہ لیں جی, پکچر دکھا بھی دی اور آپ نے اپنا نام نہیں بتایا ابھی تک. دیکھتے ہیں جی نیچے شاید نام بھی آ گیا. یہ دوبارہ تصویر بھیجی انہوں نے. سر کیمرہ ٹھیک کریں, ایڈجسٹ کریں اپنا کیمرہ, نیچے کی طرف ہے ہمارے. اچھا آ گیا, یہ آ گیا, یہ آ گیا. یہ دکھا دیں, دکھا دیں, دکھا دیں. یہ دو لوگ سائٹ پروفائل میں دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی. سر تھوڑا سیدھا ہو کر دیکھیے, اس سے گردن میں آپ کے نا ایک بل پڑ جائے گا, بہت بہت تکلیف ہوتی ہے. ویسے کیوان واقعی یہ ہمارا پروگرام ہے؟ نہیں یہ میں ہوں, میں اپنے آپ کو 2 کلومیٹر دور سے پہچان لیتا ہوں. یہ دیکھیے کالے کپڑوں والا بوائے جو ہے نا, یہ میں ہوں. ایک اور تصویر آئی ہے جی ہم دونوں کی. آپ ان کی تصویریں واقعی دکھا سکتے ہیں. گیٹ کھل چکے ہیں, آپ کو لائسنس مل چکا ہے, مبارک ہو. ہاں ہاں کیا ہے آپ نے. اور یہ ہے آپ کی تصویر, پاکستان لو یو. اینڈ یہ ہے ہاؤ آر یو فرینڈ, مائی نیم از نائب. یہ نائب ہیں جی. اچھا یہ نائب ہے. میں نائب نہیں بول سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا نائب نہیں بول. اچھا جی کرک سے ہیں, ان نے اپنی دو بیٹیوں کی تصویر بھیجی ہے. ہماری تصویر نہیں بھیجی, نہیں دکھا سکتے. نہیں نہیں پھر نہیں ہوگا. K2 کی اسکرین کی, عید کی پریفریبلی جو ٹرانسمیشن ہے اس کی آپ نے تصویر بھیجنی ہے. تصویر اس کے ساتھ آپ کی تصویریں اپلائی کرتی ہیں جی, کوالیفائی کرتی ہیں. فیس بک پہ جلدی سے جائیے اور ہمارے عید پہ جو پروگرام ہمارے کیٹ پہ ہوئے, ہاں جلدی سے اس کا کاپی پیسٹ کریں, سینڈ کریں. اچھا جی کال اگر آپ نے کرنی ہے, ہم سے بات کرنی ہے K2 کے پروگرامز کے بارے سے, کوئی فیڈ بیک دینی ہے, سجیشن دینی ہے, 410-229-2249-2249. ہاں ابھی خود آپ نے غلط بولا ہے. میں بھی انسان ہوں, اپنی باری کتنے وہ بن جاتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں اور میری باری آپ سے. کبھی کبھار میں جان کے غلطیاں کرتا ہوں تاکہ سلوی اکیلی پیڑی نہ لگے. کیا نہ لگے؟ پیڑی. پیڑی کسی بات. اچھا ہمارے کیمرہ مین بھی ہنس رہے. پیڑی کسی بولتے ہیں بتا, ان سے ہی پوچھ لیں جو ہنس رہے. پیڑی کسی بولتے ہیں؟ بری. ہاں
पंजाबी का लफ्ज़ हां तो मैं पढ़ी हूं पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने पंजाबी का लफ्ज़ किसी और को सिखाया वाह भाई जिंदगी में पहली बार था ये लफ्ज़ मैंने एक चीज और नोटिस की है इस प्रोग्राम के अंदर इस स्टूडियो के अंदर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जा रहा है सेगमेंट बदल रहे हैं हमारी बातें बदल रही हैं मैसेजेस नए आ रहे हैं प्रोग्राम में कैमरामैन भी नए आ गए बीच में ये कैसे होता है मंजूर भाई हैज टर्न्ड इनटू नवीद ये क्यों ये पता नहीं कैसे हुआ मुझे तो कभी कभी लगता है हमारे प्रोग्राम्स की टाइमिंग्स में भी कोई मसला ना आ गया मतलब चेंज ना हो चेंज हो जाता है एकदम वो भी चेंज हो गया बात करते करते चेंज हो प्रोग्राम के दौरान चीजें बदल जाती हैं मेरी तरफ ना इशारा कीजिएगा मैं नहीं बदलूंगी दो शिफ्ट्स में कैमरामैन काम करते हैं इतना कोई तवील किस्म का प्रोग्राम है प्रोग्राम होता है और इतना टफ हो जाता है कि घंटे बाद मंजूर भाई बेहोश होकर पीछे गिर के नवीद आ गया अब उम्मीद है कि एंड तक नवीद हमारा साथ दे आप तो साथ देंगे ना आप तो बैठे हैं ना मेरे बगैर हो नहीं सकता कुछ मेरे से बात करें हेलो लड़ाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं मेरा नाम मुस्तजाब अहमद है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूं जी सजाद बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा और आपने हमारी मुस्तजाब अच्छा जी मुस्तजाब प्रोग्राम देख रहे हैं मैं आपका प्रोग्राम देख नहीं रहा हूं बल्कि सुन रहा हूं अच्छा क्यों रेडियो पे आ गए हैं नहीं नहीं मैं क्योंकि एक ब्लाइंड हूँ मुझे नजर का प्रॉब्लम देख नहीं सकता हूँ तो अच्छा, सिर्फ अच्छा। आपका प्रोग्राम सुनता हूँ अच्छा जी 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 हाँ लेकिन मुझे आप लोगों का केटू टेलीविजन जो है वो बड़ा अच्छा लगता है हालांकि मेरा ताल्लुक बेसिकली पंजाब से है अच्छा। लेकिन मैं केटू टेलीविजन जो है क्योंकि ये केपी केक है तो लेकिन इसके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं सर केटू टेलीविजन पूरे पाकिस्तान का है पाकिस्तान का है ना लेकिन मतलब ये रिप्रेजेंट तो केपी को करता है ज्यादातर सर ये मैं बताता हूँ आपको ये रिप्रेजेंट जीबी को भी करता है कश्मीर को भी करता है पोटोहार को हजारा को और बलोचिस्तान को सही सही मेरा खुद का ताल्लुक पोटोहार से है अच्छा पोटोहार से है ठीक है तो बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है बहुत शुक्रिया जनाब मेरी पहली कॉल है मैं रेडियो पे तो कॉल अक्सर वैसे करता है तो मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर लेकिन टेलीविजन किसी भी प्रोग्राम में मेरी फर्स्ट कॉल है बहुत बहुत शुक्रिया टेलीविजन पे है और आपके ये रिपीट में कितने बजे प्रोग्राम आता है दोबारा से सर रिपीट की टाइमिंग अभी आप कॉल बंद करते हैं हम आपको कंफर्म करके अनाउंस करते हैं चलो थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया सर आपने कॉल की इससे मेरा डेफिनेटली खून बहुत बढ़ गया मेरा खुद और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नज़र खराब है लेकिन आप फिर भी देख रहे हो सुन रहे हैं प्रोग्राम एंड फिर भी आपने कॉल की तारीफ बहुत बड़ी बात है तारीफ उन्होंने की है और हमारा प्रोग्राम वो सुन रहे हैं जो बाकी लोग भी इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि अगर के2 से आपकी नहीं है वाकफियत तो ये है हमारा के2 इस तरह प्यार हम बांटते हैं इस तरीके के फैमिली मेंबर्स हैं हमारे जो लोग हमें एक बारी कॉल करते हैं वो फैमिली का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनका लगाव ही कुछ ऐसा हमारे साथ होता है तो मुस्तजाब भाई आपका नाम भी हमेशा याद रहेगा ये कॉल भी याद रहेगी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए एंड मैसेजेस जी जोरों शोरों से आ रहे हैं अच्छा चलिए ना बिल्कुल चलते हैं देखते हैं लोग हमारे रूल्स पे उतर रहे हैं कि नहीं होता है कौन से मैं दोबारा अनाउंस करता हुआ चलूं डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि अगर आप मैसेज करके तस्वीर को शेयर करते हैं तो उस तस्वीर के साथ के2 के ईद की जो ट्रांसमिशन है उसकी स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा अगर आप वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो उसके साथ जो आपकी सारी तस्वीर है यानी तस्वीरें तस्वीर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सारी तस्वीरें हैं वो जाया हो जाएंगी और मैं नहीं दिखाऊंगा तो जल्द अज जल्द साथ के2 की स्क्रीन जरूर लगाइएगा ये कह रहे हैं आपका शो बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद है बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम क्या है मैं जानना चाहता हूँ हाँ। नहीं बताया आपने इन्होंने मैसेज किया और डिलीट कर दिया आखिर ये क्या राज की क्या बात थी और ये तस्वीर जी आ गई सिल्वी अपने बाल बनाते हुए ये देखे पकड़ ली कोई अच्छे से अपने बालों को क्यों टच करती रहती है आप माथे पे आप कैमरे की तरफ देखे और ऊपर मॉनिटर को मत देखिए ये इन्होंने मेरे साथ क्या गेम खेली है बीच में क्या गेम खेली है बताएं ना मुझे केवान के बीच में अक्सर एंकर्स के साथ मसला होता है क्या? आप अकेली नहीं है इस मामले में क्या कि वो बहुत कॉन्शियस होते हैं ना अब सिंस हमारे मॉनिटर ऊपर लगे हुए ना देखने के लिए कि हम कैसे आ रहे हैं तो अक्सर एंकर मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं जब आपको एंकर प्रोग्राम करते हुए यूं करता हुआ नजर आए ना मॉनिटर को देखता है वो अपने आप को देख रहा है वो बुरा एंकर है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है वो अपने आप में इंटरेस्टेड है और मेरे लिए किस्मत की बात ही कह सकते हैं कि मेरा एक मॉनिटर यहाँ लगा हुआ है एक मॉनिटर वहां लगा है तो यूं तो मैं देख नहीं सकता अपने आप को तो I'm sorry, मेरे पास ऑप्शन नहीं है अपने आप को देख लेकिन सिल्वी जो है ना उनकी आई साइड में बिल्कुल यूं लगा हुआ है मॉनिटर तो वो बार बार अपने आप को देखती है तो इस और से ये आप वैसे ये पूरा ट्रेंड चेक करना रूटीन चेक करना सिल्वी पहले कैमरे को देखेंगी फिर यूं देखेंगी फिर यूं करेंगी ये तीनों चीजें एक साथ होने वाली अच्छा हद होती है ना लड़कों के बाल नहीं होते उनके कपड़े मतलब छोटे छोटे तो बाल होते हैं आपका तो शैम्पू भी इतना सा यूज हुआ आप यूज करते होंगे
वैसे भी इस मौसम में ज्यादा शैम्पू नहीं यूज करते, बंदा गंजा हो जाता है। देख रहे ये 2018 में इतनी थी, आप अभी शैम्पू नहीं यूज़ करते? ये 2019 में इतना हो गया माथा में। ये वहम होता है आपका, ऐसा नहीं, मैंने गंजा होना है मुझे पता है। कोई मुझे नहीं। एक स्किन स्पेशलिस्ट ने कहा था कि अगर आपके खानदान के अंदर कोई भी गंजा है आपके बुजुर्गों में तो आप डेफिनेटली गंजे होंगे। तो वो तो हर बंदे में, वो हर बंदे की फैमिली में होता है। अच्छा मुझे जरा दिखा। नहीं लड़कियां नहीं होती, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जिसने आपकी बाल बनाते हुए तस्वीर ली, उनकी अपनी तस्वीर भी शेयर करते हैं क्योंकि उनने रूल्स के मुताबिक, उनने मेरे साथ सेल्फी ली है, ये देखें। अच्छा फसी और इस्लाम है रावलपिंडी, सॉरी रावला कोट आजाद कश्मीर से। अच्छा टीवी पे मैं हूँ और सामने वो है और उनने सेल्फी ली है। ये चेक किया आपने? हाँ ये मैंने चेक किया ना। यूनिक वे ऑफ सेल्फी, बाकी बहुत ही अटैचमेंट मेरे से ज्यादा है आपकी बाल बनाते हुए और मेरे साथ सेल्फी। मेरे बाल बनाते हुए इन्होंने ली है? इन्होंने नहीं है। फसी जल्दी से मैसेज डिलीट कर ले, इनका कोई यकीन नहीं है, यकीन तो बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ये आपके पीछे आ सकती है रावला। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा जी सर, ब्लैक ड्रेस वाली पिक शो करवाएं आपकी, मैं भी करवाता हूँ सर। आपने इन्होंने सेंड की है ना? जी जी इन्होंने। अच्छा, पहले किया, अब ये डिमांडिंग हो गए फिर से। अच्छा ये एक मिनट, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, ब्लैक ड्रेस के ड्रेस के, ये दिखा दीजिए जी प्रोड्यूसर साहब, ये तस्वीर है इनकी, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, माशाल्लाह ये भी है, ये भी माशाल्लाह, पूरी एल्बम भेज दी आपने, और ये हमारी तस्वीरों के बाद इन्होंने दोबारा अपनी भेजी। अच्छा ये भी है, ये भी है। सर आप कितनी देर तक बैठे हुए थे यहाँ? बहुत सारी सेल्फीज बनाई हैं उन्होंने यहाँ बैठे बैठे, कुछ 30-35 तस्वीरें तो ली हैं आपने अपनी। माशाल्लाह बोर तो नहीं हो गए आप दादा में? कमर में दर्द तो नहीं हुई आपको? बहुत तस्वीरें ली। अच्छा ये जी इनने साथ एक खातून है, इनकी भी भेजी है, अब उम्मीद है कि ये खातून जानते हैं आप इनको। ये हैं जी, दिस इज़ माई सिस्टर मरियम इन ब्लैक ड्रेस, मरियम की तस्वीर भी दिखाते हैं जी। ये हैं जी मरियम, माशाल्लाह मरियम ने भी पोज किया है, मरियम यहाँ भी है, एंड आपका कैमरा बहुत एक्टिव है। और ये जी वेस्ट कोट के अंदर इनकी दोबारा तस्वीर, थैंक यू सो मच जी, आपने तो भर दिया मेरा व्हाट्सएप। मंजूर इलाय भाई ने दोबारा हम दोनों की तस्वीर भेजी है, अब वो वेट कर रहे थे कि हम अच्छे पोज में कब आएंगे। फिर सिल्वी दोबारा अपने बाल बना रही है, नाज़रीन दोबारा देखिए ना करेंगे ये देखिए नहीं 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 आज कोई दोबारा अपने बाल बना नहीं 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 ये मैं एंकरिंग कर रहा हूं, ये बाल बना रही है नहीं, ये कोई कुछ हुआ है, ये चेक करें, ईद उल फितर की तस्वीर भेजी है इनने, ये मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियस ले गए हैं, इनने 2 महीने पुरानी तस्वीर भेज दी। ये ईद उल फितर का हमारा प्रोग्राम था, बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी इस जो इंटेंशन और ये जो आपकी मेहनत है इसको मैं दाद देता हूँ कि आप गए फेसबुक के ऊपर, आपने लिखा K2 ईद प्रोग्राम और आपके सामने आ गया ईद उल फितर का प्रोग्राम। ईद उल फितर का ये जो मैजबीन के साथ मैंने प्रोग्राम किया था, माशाल्लाह ये भी क्या प्रोग्राम, इसमें भी सिल्वी मिल गई उनको, मैं भी मिली हूँ इनको, ये देखें मैं नीचे बैठी हुई थी बिल्कुल, ये देखे जी। वो और बात है कि ईद के लिए तैयार होके नहीं आई थी उस दिन सिल्वी, आई थी कैमान वैसे ही सिंपल कपड़े पे। अच्छा इनको एक एक लम्हा याद है, बड़ी अजीब बात है, एक एक चीज इनको याद क्या हुआ था वो मैं नहीं बताता वो ना बताया तो हर सब कुछ स्क्रीन पे बता। अच्छा जी आप इनकी बाकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये है जी अपनी 14 अगस्त की कुछ बच्चियों की तस्वीरें, शाहिद महमूद है करक से, उनने भेजी है जी अपनी बेटियों की तस्वीर, माशाल्लाह माशाल्लाह जी दोनों बहुत खूबसूरत लग रही है, पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रही है, तो ये है जी उनकी तस्वीरें। एंड ये कौन है पहले चेक करते हैं, इनने और क्या तस्वीर भेजी है जी, हमारी स्क्रीन की भी कुछ तस्वीर भेजी है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आई एम फ्रॉम दुबई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है लेकिन वो दूसरी हमारी फेवरेट बाजी नहीं है, आपकी फेवरेट बाजी कौन है? उसको मेरी तरफ से सलाम, मेरी साथ में मेरे दो गुल रहमान और नूर वजीर भी आपको सबको सलाम दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, और ये हमारी तस्वीर है। माजबीन क्यों नहीं? अच्छा माजबीन का जो प्रोग्राम है वो आप एक तो खैबर पे भी देख सकते हैं और माजबीन का एक प्रोग्राम है आदाबर्स के नाम से, किस तरह बोलते आदाबर्स इस तरह भी बोल सकते हैं, आदाब अर्ज है जो प्रोग्राम है, जुम्मे की रात को 9:30 देख सकते हैं आप। क्या हो गया कराची, हो क्या है आप अभी अभी? नहीं कराची वालों को ब्लेम कर रही है, ये फिर मेरा ही। अच्छा ये देखिए, अच्छा जी अब हम चले किधर जाने, हमने प्रोड्यूसर 2 मिनट के बाद ब्रेक पे जाना है हमने, तो ये 2 मिनट पहले पता नहीं क्यों बम फटने से पहले ठुस 2 मिनट, लेकिन अभी हम एक काम करते हैं नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज से 19 अगस्त से 30 से K2 के कुछ प्रोग्राम की टाइमिंग्स बदली है। अच्छा। तो उसके वाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनकी बदली है टाइमिंग्स, या फिर दिन बदले हैं या फिर टाइटल बदले हैं। तो सिंस आज पीर था,
जिंदगी प्रोग्राम अपने टाइम से ही चलता है जो 7 से 8 है, जिसमें डॉक्टर गफार है एंड उसके साथ उनके साथ होते हैं, होती है नौशीन एंड फिर जी 8 से लेके 9 बजे तक होता है डेट लाइन पेशावर। ये टाइटल थोड़ा बदला है, डेट लाइन पेशावर वो प्रोग्राम है जिसको एंकर करते हैं अकील यूसुफ जई साहब, ये पहले किया करते थे केपी कॉलिंग पेशावर से, अब ये डेट लाइन पेशावर करेंगे, सॉरी पेशावर से ही करेंगे लेकिन टाइटल बदला है। इसके अंदर जो केपी गवर्नमेंट के हैं, केपी एडमिनिस्ट्रेशन के, लोकल गवर्नमेंट के जो नामी गरामी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हुकूमत में हैं या फिर उनका ताल्लुक है लोकल गवर्नमेंट से, उनको इनवाइट किया जाता है और पेशावर और केपी के स्पेसिफिकली मसले मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। फिर जी हुआ टूटी फ्रूटी जिसमें जकीर रहमान साहब हैं, उनके साथ डिफरेंट कैरेक्टर्स में आते हैं, एक बहुत नामी ग्रामी एक्टर एंड जो वफात पा चुके हैं इस वक्त, एंड उनका प्रोग्राम होता है एंड बहुत मज़े का प्रोग्राम होता है, सिटकॉम प्रोग्राम है। उसके बाद आते हैं हम दोनों के2 की दुनिया 9:30 से 11:30 तक आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हम आपको रिकैप देते हैं पिछले हफ्ते का के2 की दुनिया के अंदर। फिर जी ट्यूजडे पे पब्लिक फोरम हज़ारा वापस आ चुका है, कैसे तुरोली और मेहर सिमाप का, ये आपकी कॉल लिया करेंगे ट्यूजडे को 7 बजे हज़ारा के हवाले से, हज़ारा रीजन के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें हाईलाइट करने वाली लाइव प्रोग्राम में आप लोग कॉल कर सकते हैं। फिर जी डेडलाइन बलोचिस्तान होता है जो जाबिर शाह करते हैं आसमा के साथ बलोचिस्तान से, क्वेटा से, इसमें भी कॉल्स भी होती हैं लेकिन गेस्ट भी होते हैं उनसे, बलोचिस्तान से मुतालिक जो इश्यूज हैं उसके हवाले से बात की जाती है। फिर जी नया प्रोग्राम है सी व्यू कराची, सी व्यू कराची, सिंस आपको पता है कराची में अगर कोई खास चीज़ है तो वो सी व्यू, सॉरी कराची वालों मर ना कीजिएगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपके पास सिर्फ समंदर है एंड सिर्फ समंदर की आपको झलकियाँ नहीं दिखाएंगे, कराची शहर की सैर कराएंगे, इवेंट्स पे लेके जाएंगे, कराची के जो नामी ग्रामी उनसे इंटरव्यू भी कराएंगे। 9 से 9:30 ये प्रोग्राम है और जो ट्यूजडे का आखिरी प्रोग्राम है वो है ट्रेंडिंग लाइव, पेशावर से आता है उस्मान करते हैं, अहमद करते हैं, उनके साथ किंजा होती है, थैंक यू सो मच सिल्वी, किंजा होती है। ये तीनों प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स और पेशावर में अगर कोई अर्बन सीन हो रहा है उसके हवाले से, म्यूजिक मूवी सारी चीज़ें होती हैं इस प्रोग्राम के अंदर, लाइव प्रोग्राम होता है, बहुत हल्ला गुल्ला होता है। ट्यूजडे तक हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा वक्फा लें क्योंकि मुझे भी वक्फे की ज़रूरत है, मेरा मुँह सूख चुका है बोल बोल के। आप लोग वक्फे पे जाएं, वक्फे से वापस आने के बाद वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने कुछ नहीं बोलना इस टाइम, इस सारे इन सारे दिन के हवाले से आपको बताना है के2 की दुनिया के अंदर। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ये क्या तरीका ब्रेक से वापस आने का, तो क्या कैसे कहूं, अच्छा अच्छा आप बोल देना, आप बोल दें, आप कैसे कहेंगे, चलिए एक टिपिकल तरीका होता है। जी नाजरीन, बड़ा जोश है, देखिए ना इससे आवाज भी ऊंची हो सकती है, जोश भी नजर आता है, जी मैं मर्दों की तरह नहीं कर सकती, जी नाजरीन मर्दों की तरह नहीं कर सकती, काफी और चीजें तो आप मर्दों की तरह कर लेती है, अच्छा बस जैसे कि मैं नहीं बताता। लेकिन नाज़रीन ब्रेक से वापस आ गए, हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया, अब मैं वेंसडे की तरफ जाऊंगा एंड बुध के रोज हमारे पास प्रोग्राम है 7 बजे पब्लिक फोरम, पब्लिक फोरम केपी, केपी ये प्रोग्राम नए टाइटल के साथ आ रहा है, हसनैन और बिल्किस यूसुफ से किया करेंगे पेशावर से, केपी के मसले मसाइल आप लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे जिसमें मैक्सिमम पब्लिक कॉल्स होंगी, तो आप लोग बुध के रोज 7 बजे कॉल ना करना भूलिएगा इस प्रोग्राम के अंदर और आप सारे मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक फीडबैक। फिर जी आता है डेडलाइन इस्लामाबाद जिसको करती हैं सुमैरा खान, उनके साथ कुछ पैनल में गेस्ट होते हैं जो एक हॉट इशू को उठाते हैं जो एक मेन स्ट्रीम नेशनल इशू होता है। फिर कॉमेडी क्रॉनिकल्स होता है, कॉमेडी क्रॉनिकल्स में हमेशा एक हॉलीवुड की नामी ग्रामी कॉमिक लेजेंड को हम उठाते हैं एंड उर्दू जबान में ही हम कोशिश करते हैं कि उनकी कुछ कहानी आपको सुनाए और कुछ फुटेज दिखाए जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर है, जिसमें हमने चार्ली चैपलिन को भी किया है, जेरी ल्यूस को भी किया है, लॉरेल हार्डी को भी किया है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या है ये सरप्राइज है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। एंड फिर जी निकी फुप्पो, हमारी वेरी पॉपुलर वेरी फास्ट बिकमिंग पॉपुलर निकी फुप्पो अपने उसमें आती हैं जोश व जज्बे में, आप लोगों को क्या वो तावीज़ें भी देती है, घर बनाने के लिए फसाद पैदा करने के तरीके भी बताती हैं, बड़ी फसाद भी है, उसके अलावा बहुत तंग भी करती हैं, उनकी आवाज भी बहुत इरिटेटिंग है लेकिन बड़ी अच्छी भी है, अच्छों के साथ बड़ी अच्छी भी है, आप जानती हैं शैतान के साथ बड़ी शैतान है, मैं दूर रहता हूँ फुप्पो से, फुप्पो शैतान, फुप्पो एक कैफियत है, फुप्पो एक मर्द के अंदर भी हो सकती है, आपके अंदर है, औरत नहीं, हर मर्द के अंदर नहीं, क्यों नहीं है आपके अंदर भी, होता है वक्त वक्त होता है, कभी ऐसा एक्सक्यूज मी कभी कभार ऐसा होता है कि आपका कुछ मूड ऐसा हो कि आपके अंदर से फुप्पो बाहर निकला, तो अगर आप किसी की आपके या फिर
बैक बाइटिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे कोई बात कर रहे हैं, किसी को मरवाने के चक्कर में, किसी की लड़ाई करवाने के चक्कर में है ना, यू आर बीइंग वेरी फुफो। केवान सारी फुफो हम लोगों के एक्चुअल रिश्ते में फुफो है वो अलग है, हां वो अलग है, वो अच्छी है, कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से, लेकिन ये जो फुफो कैफियत है ना, हां ये आम फेम कॉफी को पॉपुलर हो चुकी है कि यार ये फुफो वाली हरकत है ना, हां फुफो वाली, तो ये जो निकी फुफो है ये उस कैफियत को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। लाइव प्रोग्राम होता है, अगर आप इनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हो, घर में कोई मसले मसाले चल रहे हैं तो एडवाइस तो नहीं मिलेगी, वो मजीद भर सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं इनके प्रोग्राम में, कॉल की रात 9:30 बजे होती है। थर्सडे को कार्डियक क्लिनिक होता है, सोच फैक्ट्री मेरा सैटरडे को हुआ करता था, अब थर्सडे को होगा 8 से 9:30, एक्सटेंड हो गया, पहले घंटा था अब 1.5 घंटा था, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी डिस्कशंस होती हैं, पैनल होते हैं जिसमें मजीद टाइम चाहिए होता है, तो सोच फैक्ट्री अब 8 से 9:30 जुमेरात की रात को हुआ करेगा। फिर जिस सुर सांझे आ गया जुमेरात को 9:30 से 11, सुर सांझे को भी एक्सटेंशन मिल गई है, वो 1.5 घंटे के स्लॉट में आ गया। सैम करती है इस प्रोग्राम को, मुख्तलिफ जुबानों की चलाती है वो गाने, सुर सांझे, इसलिए टाइटल इसका है सुर सांझे, क्योंकि सांझी खुशियां सांझी मौसीकी, सांझी मौसीकी, बहुत गलत एग्जाम्पल था, कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर जी फ्राइडे को जुम्मे की रात 7 बजे आवाज़ जीबी गिलगित बल्तिस्तान से ईसा अलीम किया करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे जीबी के जो बड़े लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं या फिर और इदारों के लोग हैं, उनसे इंटरव्यूज़ किया करेंगे। फिर शहर सुखन ये सैटरडे को आ गया 8 से 9, रुबीना सिद्दीकी और नासिर अली सैयद साहब, शेर व शायरी और गजलें साथ साथ चलेंगी, बहुत पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम है। फिर जी सिटकॉम है भट्टी एंड डीडी, इसमें काफी नामी ग्रामी एक्टर्स हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है, बहुत मजे का ड्रामा है, ये भी मिस ना कीजिएगा। फिर आदाब अर्जे का दिन बदल गया है, अब वो जुमे की रात 9:30 बजे आया करेगा। जब मैं आदाब अर्जे की बात करता हूँ तो मेरा एक्सेंट ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है, तो जो है महापारा और चांद मियां आपको महसूस करेंगे अपनी बातों से और फोन कॉल के जरिए भी। हफ्ते की रात 7 बजे डेडी आ चुका है, डेडी प्रोग्राम आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम, मुख्तलिफ इलाकों में जाके डेडी रखते हैं, मौसीकी भी होती है, गुफ्तगू भी होती है, इश्यूज भी डिस्कस होते हैं और स्वाति मामा की मजे मजे की माइये और माइये भी होती है। फिर जी इस्लामाबाद डायरी आ गई, इस्लामाबाद डायरी हफ्ते की रात को आपको इवेंट्स पे भी लेके जाएगी, मेन सेलिब्रिटी से भी बात करेगी, जैसे हाल ही में आपने देखा कि हीर मांझा की टीम से बात की, एक्टर से बात की, सुपरस्टार की टीम से, मायरा खान बिलाल अशरफ से भी बात की, तो जो जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े स्टार्स आते हैं ना, इस्लामाबाद डायरी के जो दो लोग हैं वहाँ पहुंचे हुए थे। इस्लामाबाद डायरी होती है, फिर भट्टी एंड डीडी का पार्ट 2 होता है जी 9 बजे, फिर है जी ग्रेट आरिफ कादी शो जिसके अंदर 3 कैरेक्टर भी हैं आरिफ कादी को तंग करने के लिए, उसके अलावा म्यूजिक भी है, सिंगर भी होता है और बहुत अच्छे मजे मजे के गेस्ट भी होते हैं, तो आरिफ कादी शो इज अ फुल पैक्ड शो। संडे को बच्चों के लिए होता है फुलवारी प्रोग्राम, फुलवारी प्रोग्राम जैसे कि आप लोग को थोड़ा याद होगा कि बहुत अच्छा दराज इतने भी नहीं लेकिन कुछ अर्सा पहले चला करता था फुलवारी के नाम से, एंड बहुत एक बच्चों का सेगमेंट होता था, एंड ये मैगजीन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आया, तो यही कॉन्सेप्ट पेशावर से मासूमा और आगा जी, जो आगा जी आपके बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं, वो बच्चों को कुछ मजे मजे की बातें भी बताएंगे, कार्टून्स भी दिखाएंगे और साथ साथ कहानियां भी सुनाएंगे, तो ये प्रोग्राम है 6 से लेके 7 बजे तक, 6 से 7 घंटे का। फिर है जी कश्मीर से आया करेगा चिनारा दी छां, ये कश्मीर का कल्चर, कश्मीर के इशू, कश्मीर की जो बातें हैं, जो सारी सकाफत है, हमारा जो कश्मीर है जो आजकल बहुत जुल्म और सितम से गुजर रहा है, उसके हवाले से जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनको सामने लेके आएंगे और साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो ज़रूर टच करेंगे, ताकि पता हो कि जिसको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, वहाँ हालात कितने अच्छे हैं, खुशगवार हैं, लोग कितने मुतमईन हैं, और अनफॉर्चुनेटली मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, कितनी ज्यादतियाँ कर रही है, तो ये कंपैरिजन जब तक सामने नहीं आएगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा ग्लोबल फ्रंट पे कि पाकिस्तान किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। तो रंगे शुमाल होता है जी उसके बाद 8 से 8:30, ये ट्रैवल लॉग है जीशान, इसमें आपको मुख्तलिफ शुमाली इलाकाजात की तरफ लेके जाते हैं, बैक पैक उन्हें पहले पहना होता है अपना, पैदल चल रहे होते हैं, मज़े के खाने भी खाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह भी दिखाते हैं, तो रंगे शुमाल का जो ट्रैवल लॉग प्रोग्राम है वो होता है संडे की रात 8 बजे, 8:30 बजे होता है ड्रामा सीरियल मन प्यासा, इसके अंदर बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं, नुमान एजाज भी हैं इसके अंदर, इसके अंदर मिकाइल भी हैं, इसके अंदर सरवत गिलानी भी हैं, तो बहुत मुख्तलिफ बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसके अंदर। फिर जी संडे की रात को होता है प्रोग्राम म्यूज़िक लैब, अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो नुमान निशारी करते हैं, जो आपके जो बड़े बड़े अभी ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक वाले प्रोग्राम चल रहे हैं ना म्यूज़िक वाले, क्वालिटी वाइज
much better than that. Original music cover bhi karte hain, original artists ko mauka bhi dete hain, underground bands ko mainstream pe leke aate hain. To K2 is program ke zariye wo services de raha hai jo in bade bade brands ko dene chahiye. And not saying that these brands are not doing a good job, lekin jo kasar reh jati hai wo K2 puri karta hai. Music lab ke zariye, jaise lab hai na, iska naam laboratory. जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स बड़ी होती है म्यूजिक के साथ, क्लासिकल के साथ रॉक हो जाता है, वेस्टर्न के साथ ईस्टर्न हो जाता है, तो बड़ी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन होती है. और केवान जितना मैंने देखा है तो इसमें नौमान लाशारी ने जितने भी गाने गाए वो एकदम से पॉपुलर हो जाते हैं. बिल्कुल एकदम से सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर हो गए. अच्छा अब प्रोग्राम के आखिरी 5 मिनट रहेंगे, ठीक है. आए हाय इतना सारा काम था, 5 मिनट में कैसे होगा? 5 मिनट में एक जाते जाते मैं अपनी तरफ से एक एंट्री मारता हूँ जो एक और मैंने नज़म लिखी थी. वही नाज़रीन मैं वही कहना चाहती थी कि वो पढ़ के, हाँ, वो पढ़ के ये भी नौजवानों के नाम थी. लेकिन इस पे थोड़ी बहुत एक गुस्सा है, एक थोड़ी बहुत मायूसी है और इसके अंदर थोड़े बहुत नौजवानों से एक इल्तजा है कि वो अपने जो प्यारे वतन है जिसको हम अपनी माँ भी कहते हैं उसकी दर्द को क्यों नहीं पहचानते. तो इस नज़म का नाम है तेरी माँ की आप बीती. तेरी माँ की आप बीती. नाज़रीन ये केवान ने खुद लिखा. ये थोड़ी इसके अंदर जो अल्फाज हैं ये थोड़े एग्रेसिव हैं. अच्छा. और मुझे यकीन है बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इससे रिलेट कर सकेंगे क्योंकि 8 साल पहले हालात कुछ ऐसे थे बल्कि अब थोड़े बदतर हैं मैं कहूँगा. लेकिन आज भी ये अल्फाज कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरी भी अपनी नौजवान नस्ल से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं. आप लोग अगर रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से तो बहुत अच्छा होगा और फीडबैक आप लोग दे सकते हैं. मैं शुरू करना चाहूँगा. इजाज़त है आप? बिल्कुल इजाज़त है. क्यों बातों ने तुम्हारी किया सोचने पे मजबूर, हरकतें ये तुम्हारी उससे भड़कर ये गरूर. घर से ना निकले और ना ही कभी बाहर को देखा, अपनी अकल और अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा. करते हो तुम दावे अपनी ज़ात से भी भड़कर और करते हो तुम बातें अपनी औकात से भी बढ़कर. पढ़ लिख गए हो तुम कुछ ज़्यादा ही, अब जानने को रह ही क्या गया है बाकी. वो डब्बा, वो रंग बिरंगी तस्वीरों से भरा डब्बा, सब सवालों का जवाब है उसी डब्बे में ही तो रखा. जो बोले ये तस्वीरें है वही तो तेरा कुरान, क्या मज़हब क्या इस्लाम क्या दीनो ईमान. ज़िंदगी का मकसद तुम्हारे इन्हीं तस्वीरों और उनकी बातों से निकला, पर क्या सच है क्या झूठ, कितना हकीकत से मरहूम है तेरा ये जहां. दुनियावी ज़रूरियात हैं जब तक तेरी ये पूरी, अरे क्या सोचना इन हालात के बारे में है ज़रूरी. ये दौलत ये शोहरत ये बंगला ये गाड़ी, ज़रूरत ही क्या इस वतन की तुम्हें और इस वतन को तुम्हारी. कदर ना कर सके तुम हमारे जज्बात की क्या, जानते हो इस पाक सर ज़मीन पे कदम रखने की कीमत है क्या. भाई थे हम तुम्हारे ना जान सके तुम इस बात को, माँ है तुम्हारी ये धरती ना पहचान सके इस हकीकत को. तोड़ डाले सब नाते एक ही सांस में क्या, मिटा डाले सब रिश्ते एक ही झलक में क्या. ज़रूरत थी जब तुमको इस माँ की ओ पाकिस्तानी, दिया इसने वो साया और वो पीने का साफ पानी. उस गंदम का वो आटा और उस आटे की वो रोटी, और उन खेतों की हरियाली और उस हरियाली में वो सब्जी. यही तो खा पी के होए हो तुम जवान, इसी ने दी वो ताकत और दौड़ने की वो जान. इसी ने दिए वो अल्फाज जिनसे चलती है तेरी ये जुबान. इसी ने दी वो जहनियत जिससे बनाया है आज तूने अपना ये नाम. इसी इस ताकत से अब तू अपनी माँ का दिल तो ना तोड़, इन टांगों की जान से उससे दूर तो ना दौड़. इस जुबान से अपनी माँ की बेइज्जती तो ना कर, इस जहनियत को अब इतना पलीत तो ना कर. तो ये थी जी. अब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं रह गया तो इस नज़म के ऊपर जो भी आप फीडबैक देंगे हम इसको अपलोड करेंगे. आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी कीजिए, हम अगले प्रोग्राम के अंदर वो भी शेयर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर. ये मेरी एक काविश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो. नाज़रीन ये मैं वैसे दूसरे प्रोग्राम में, अभी तो टाइम नहीं है, फिर से केवान से ये वो करना चाहूँगी क्योंकि इसमें एक गहराई है बहुत ज़्यादा और केवान एक्सप्लेन भी बेहतर तरीके से करेंगे क्योंकि अभी केवान टाइम इतना नहीं है कि आप हम मैं चाहती हूँ कि एक्सप्लेन अगले प्रोग्राम में करेंगे. हाँ. उससे पहले अगर आप लोग इस पर फीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर. सोशल मीडिया पर बिल्कुल. सिल्वी हमने जाना है एक ऐसी काविश की तरफ जो हमने इस 14 अगस्त के लिए प्रेजेंट की थी. बिल्कुल. K2 चैनल की प्रोडक्शंस थी, हमारी अपनी टीम ने बनाया, हमारे अपने फेसेस ने बनाया. इसके अंदर हमारा म्यूजिक भी अपना है, सारा मुंह से निकाला हुआ म्यूजिक और बॉडी से निकाला हुआ म्यूजिक है. इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हुआ और ये सारे मिली नगमे मिला के हमने ये बनाया. उम्मीद है आपको ये पसंद आए.
अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये देखिए, ये भी फेसबुक पे अपलोडेड है, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, इस पे भी फीडबैक दें। लेकिन ये हमारी तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंगों को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है, जाइए लुत्फानंदोज हुई इस चीज़ से। आप लोगों से हम लेते हैं इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते के2 की दुनिया के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद। Shine it hard, shine it, set bar, shine.